नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बलिया में गंगा किनारे गांवों में लगे कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने उच्च प्राथमिक विद्यालय दुभर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गणित विषय से एक भिन्न का सवाल हल करने को कहा, जिसे विद्यालय के 3 अध्यापक मिलकर भी नहीं कर पाए। खास बात तो यह रही, उस सवाल को उसी कक्षा के एक छात्र ने हल कर डाला। जिलाधिकारी ने उस छात्र की पीठ थपथपाई और उसे पुरस्कृत भी किया। वहीं अध्यापकों के साथ प्रधानाध्यापक को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी। कहा, बच्चों को इसी उम्र में गणित विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में मिला ज्ञान ताउम्र याद रहता है, अध्यापक गण इसका ख्याल रखें। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने MDM की गुणवत्ता जांची। उन्होंने MDM का भोजन मांगकर बच्चों के साथ खाया। विद्यालय के सभी अध्यापक व सभी स्कूली बच्चे DM के साथ भोजन कर काफी उत्साहित दिखे, MDM की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। जिलाधिकारी ने BRC का भी निरीक्षण किया। वहां खंड शिक्षा अधिकारी के नहीं होने पर कारण पूछा और BU मोतीचंद चौरसिया से फोन पर बात की। बांसडीह में उपस्थित रहने की बात पर DM ने कहा कि 2 ब्लॉक का चार्ज है तो रोस्टर बना लें, दीवार पर लिखवाएं कि किस दिन कहां बैठेंगे। कड़े शब्दों में कहा कि BRC परिसर में सरकार की योजनाओं से संबंधित कैंप लगा है तो यहां रहना चाहिए। बलिया से अंजनी राय की रिपोर्ट।